अतीत नंबर 12 जो कि सब्जेक्ट सोशल साइंस, हमारे अतीत एक, हाँ यानी कि हमारा पास तो ये क्लास 30 के लिए। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, ये हमें करनी है 6 नवंबर 2020 को। तो चलिए अब हम इस वर्ग को आरम्भ करते हैं। तो अब हमारा अध्याय 2, आखिर खाद संग्रह से भोजन उत्पादन तक। हाँ तो देखिए, पहले तो जो है हम हंट कर जो है हंट करते थे कुछ जानवरों का, और उनका मीट मांस खा के अपना जो है पेट भरते थे। हाँ तो उसके बाद क्या हुआ कि एनिमल्स धीरे धीरे कम होने लग गए, तो अब ह्यूमंस ने जैसे ही फार्मिंग डिस्कवर की वैसे वो अपना भोजन खुद उत्पादन करने लग गए। हाँ इस खाद का जो है यही मतलब है। तो अब ये बदलती जलवायु यानी कि बदलता मौसम, तो ये लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु से बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। देखिए कुछ 12,000 पहले क्या हुआ, जो बहुत गर्मी होने लग गई। हाँ तो इसके परिणाम स्वरूप का मतलब है इसका नतीजा क्या हुआ कि कुछ जो क्षेत्र थे जो बिल्कुल खाली थे, वहां पर जो है घास उगने लगी और वो घास वाले मैदान बन गए। इससे हिरण बकरी भेड़ और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी। हाँ तो देखिए अब उनको जो है खाना मिल गया, तो इस जो हर्बीवोर्स थे यानी कि जो घास खाकर अपना पेट भरते थे, हाँ उनकी तादाद बढ़ गई। पहले तो भूखे ही मर जाते थे, तो अब ये जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, ये मैंने पहले बता दिया। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, तो देखिए जैसे शेर हो गए, यहाँ जो इनका शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और उनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। देखिए वो भी जो है चुपके से वहां आते, पहले तो देखते हो कहाँ आ रहे हैं ज्यादा, कौन कौन आ रहा है, हाँ और फिर वो ये देखते कि कितने बजे आ रहे हैं सब। ऐसा ऑब्जर्व करने के बाद जो है वो क्या करते होंगे, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, वो जो है उनको हंट कर लेते होंगे। और अब हमारा नाम और तिथियां, हाँ यानी कि किसी का नेम और डेट। हाँ अब हमारा देखिए पुरातत्वविदों ने इतिहास के अलग अलग काल के अलग अलग नाम रखे हैं, और ये नाम बड़े बड़े भी हैं। देखिए पुरातत्वविदों क्या होते हैं, जो मतलब पुरानी चीजें लेते हैं और उनको स्टडी करते हैं। तो इन्होंने जो है अलग अलग समय काल का मतलब यहाँ समय है ठीक है, के अलग अलग नाम रखे हैं। हाँ जो इसके एग्जाम्पल्स हमें आगे करवाएंगे, ये देखिए। अब हमारा आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहा जाता है। तो देखिए जो सबसे पहला काल था, मतलब जो है जब इंसान नए नए ही आए थे, तब जो है उस काल को कहा जाता है पुरापाषाण काल। हाँ फिर हमारा यह दो शब्दों यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। हाँ तो ये देखिए ये जो ये दो शब्द है, हाँ प्राचीन और जो पाषाण है, हाँ वो पत्थर से बने हैं। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताते हैं। देखिए ये जो है हमारे पत्थर के औजारों के महत्व के बताते हैं। जैसे आजकल अगर हम देखिए मेटल के औजार आने लग गए हैं, लेकिन जो पहला वाला काल था वहाँ पत्थर से औजार बनाए जाते थे। फिर हमारा पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। हाँ तो ये देखिए पुरापाषाण काल जो है मतलब 12,000 पहले और उस 20 लाख से 12,000 पहले तक बनाया जाता, मतलब बताया जाता है। हाँ अब मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। तो ये देखिए मानव के जो थे उनके 99% कहानी इसी समय में जो है घटित हुई। फिर आया हमारा जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। हाँ तो देखिए जिस में हमने अभी पढ़ा था कि पर्यावरण में, हाँ जिसमें मैं ये पढ़ा था कि जो कि बहुत गर्मी हुई थी वो इसी काल के दौरान यानी इसी युग के दौरान घटा था।
तो इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। देखिए इसका समय जो है 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का माना जाता है। फिर इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। तो देखिए इस काल में जो है बहुत छोटे होते थे, यहाँ पाषाण औजार बहुत छोटे होते थे, आमतौर पर हम कुछ बड़े भी औजार थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। हाँ तो ये देखिए यह है आपकी डेफिनेशन है, आपको इसको जो है अच्छे से याद रखना है। अब हमारा अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। देखिए अगले युग की शुरुआत अभी तक यानी कि 2020 से कुछ 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है, यानी कि नवपाषाण समय। तो नव का अर्थ होता है नया, नव का अर्थ होता है नया। हाँ, और पाषाण यानी पत्थर, और देखिए पाषाण का मतलब पत्थर होता है, अर्थात नव पाषाण काल। हाँ इसका मतलब है नव पाषाण काल। अब हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है, दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव कब आए? तो ये देखिए इसका उत्तर है, दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव ये देखिए यहाँ मध्य पाषाण युग यानी कि लगभग 12,000 ये देखिए हमें यहाँ ऊपर भी दे रखा है, यानी कि लगभग 12,000 साल से पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक मनाया गया था। हाँ जैसे यहाँ लगभग 12,000 साल ही लिख देना आप, ठीक है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, लघु पाषाण क्या है? तो देखिए लघु पाषाण हमारा ये क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, मैंने आपको कहा था कि इसकी डेफिनेशन आप जरूर जो है याद करना। तो देखिए इस ये देखिए हमारा ना ये देखिए लघु पाषाण की डेफिनेशन ये है कि लघु पाषाण के औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। हाँ और बस इसका उत्तर यही है। अब तीसरा है, नवपाषाण युग से आप क्या समझते हैं? देखिए नवपाषाण युग से मैं यह समझता हूँ कि जो अभी का युग चल रहा है, हाँ वो नवपाषाण युगी है, क्योंकि इसके नाम के अर्थ से पता लगता है कि नव यानी कि नया युग है जो अभी चल रहा है। हाँ और आपको अगर कुछ और भी समझ आए तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो ओके बाय गाइस।